आइए जानते हैं टिड्डी से जुड़ी रोचक बातें। टिड्डा का वैज्ञानिक नाम सीलिफेरा है। टिड्डा अंटार्कटिका को छोड़कर हर महाद्वीप पर ये पाए जाते हैं। विश्व में टिड्डी की लगभग 11,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में केवल 4 प्रजातियां पाई जाती है, रेगिस्तानी टिड्डी, प्रवासी टिड्डी, बॉम्बे टिड्डी और वृक्ष टिड्डी। टिड्डियां की संख्या और प्रकोप का क्षेत्र मौसम और पर्यावरणीय परिस्थितियों पर निर्भर करता है। टिड्डी का जीवन काल सिर्फ 10 हफ्तों से लेकर 4 महीने तक ही होता है। भारत में आमतौर पर टिड्डी दल जुलाई से अक्टूबर के बीच दिखते हैं। टिड्डियां छोटे सींगों वाले प्रवासी कीट होते हैं। इसके 2 एंटीना, 6 पैर और 2 जोड़े पंख होते हैं। टिड्डी के सुनने के अंग सिर पर न होकर पेट पर पाए जाते हैं। टिड्डी की लंबाई 2 इंच से 5 इंच के बीच होती है। टिड्डी एक बार में करीब 25 सेंटीमीटर ऊंचा और लगभग 1 मीटर लंबा कूद सकती है, जबकि इसके उड़ने की रफ्तार करीब 13 किलोमीटर प्रति घंटे की है। टिड्डी एक दिन में 100 से 150 किलोमीटर तक उड़ सकती है, लेकिन उनकी दिशा और गति तय नहीं होती। हवा का रुख जिस ओर होता है उसी तरफ निकल जाते हैं। टिड्डियों का एक छोटा दल एक दिन में 10 हाथी या 2,500 आदमियों के बराबर खाना खा सकता है। टिड्डी शाकाहारी होने के कारण प्राकृतिक और उगाई हुई वनस्पति खाते हैं, जिसमें उनके पसंदीदा खाद्य पदार्थ घास, मक्का, गेहूं और जौ हैं। टिड्डी किसी प्रकार का घोंसला या अपना घर नहीं बनाते, बल्कि यह भोजन की तलाश में प्रवासी की तरह नए स्रोतों को खोजते हुए पलायन करते रहते हैं। अफ्रीकी देश, मध्य और दक्षिण अमेरिकी देशों में टिड्डी को आमतौर पर खाया जाता है। टिड्डी प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। तो आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करें, और ज्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।